यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। उसके उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। 2022 में भी एसपी ने यहां से जीत हासिल की थी, तो कह सकते हैं कि पार्टी ये सीट बचाने में कामयाब रही। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर और संजय निषाद को भी ताबड़तोड़ रैलियां कराई, लेकिन अखिलेश के पीडीए चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। उन्होंने पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला अपनाया, जो घोसी उपचुनाव में हिट साबित हुआ। समाजवादी पार्टी ने घोसी सीट बड़े अंतर से जीत ली है। सपा ने न सिर्फ ये सीट बरकरार रखी है, बल्कि लखनऊ से लेकर मिर्जापुर तक भाजपा और उसके सहयोगी दलों को हराकर एक साथ कई झटके दिए हैं। घोसी के साथ ही सपा ने लखनऊ में हुए जिला पंचायत सदस्य के उपचुनाव में भाजपा को हरा दिया है। इसी तरह मिर्जापुर की जिला पंचायत सीट पर भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की अपना दल को हरा दिया है। यहां की सीट 96 की विधायक रिंकी कोल के इस्तीफे से रिक्त हुई थी। सपा ने लखनऊ और मिर्जापुर के साथ ही जालौन और बरेली में जिला पंचायत के चुनाव में भी जीत हासिल की है। मिर्जापुर में राजगढ़ जिला पंचायत सदस्य सीट प्रत्याशी सील कुमारी ने अपना दल भाजपा समर्थित आरती देवी को हराया है। लखनऊ की जिला पंचायत सीट पर सपा की रेशमा रावत ने भाजपा की संगीता रावत को हराया है। जालौन में पहाड़गंज सीट पर सपा प्रत्याशी रंजना देवी ने भाजपा प्रत्याशी शांति देवी को हराया है। बरेली में वार्ड 16 में सपा प्रत्याशी जसविंदर कौर ने भाजपा की शिल्पी चौधरी को हराया है। बहेड़ी विधानसभा ने वार्ड नंबर 16 में भी सपा प्रत्याशी की जीत हुई है। सपा ने पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा शीला कुमारी देवी कौल को अपना उम्मीदवार बनाया था, जबकि गठबंधन से आरती देवी कौल उम्मीदवार थी। प्रतिष्ठा परक इस चुनाव में सपा ने अपना दल से ये सीट छीन ली। चुनाव परिणाम के बाद सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बन रहा है। घोसी उपचुनाव में विजय और जिले में भी परिणाम उनके पक्ष में आने से सपा नेता गदगद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।